हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते यार सब्सक्राइब कर देना, अगर मारखोर है उस आर्मी है तो यार जरूर लाइक कर दो इस वीडियो को। तो गाइज आज आप लोगों को मैं डी रॉक ओएस थॉमस एडिशन जो है ना 64-bit का, उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये अच्छा क्यों है, वजह क्या है। ठीक है, वजह ये है गाइज, देखे इसके अंदर ना आपको प्ले स्टोर नहीं मिलता और कोई भी फजूल चीज नहीं मिलती। ठीक है, आपको हर चीज मिल जाती है जो कि आपके मतलब सिस्टम के मुताबिक जो ओएस को स्पीड में और उसके बाद ऑप्टिमाइज करके देती है। और उसके बाद मजे की बात गाइस, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, इंटरनल ऑडियो है, ठीक है, गियर लॉक है, उसके बाद हमारे पास मैगेस्क है, और उसके बाद ओपेरा ब्राउजर आ जाता है, और एफएक्स के अंदर आपकी जो विंडो की ड्राइव है वो शो होती है। मजे की बात यह है, तो इसका इंस्टॉलेशन करने का जो तरीकाकार है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां से आपने देख लेना है। तो चलिए आप सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में और जाकर देखते हैं कि इसके अंदर जो कर्नल है वो कौन सा है। इसके अंदर गाइस देखिए जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 7.4.1 है, डी रॉक ओ एस 3X थॉमस एडिशन है। ठीक है, और इसके अंदर अभी जो कर्नल में यूज करूँ वो 4.19.7, मतलब कि जब आप स्टार्ट में करते हैं ना ओएस को स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग में, जब विंडो को ऑन करते हैं कंप्यूटर को ऑन करके, तो वहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है आपको पहला प्रीमियम कर्नल सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपके पास दो कर्नल डिफरेंट आ जाते हैं। तो मैं अभी यूज कर रहा हूं मैक्स परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उस पे बहुत ज्यादा फास्ट चलता है ये ओएस। ठीक है, तो इसके अंदर जो कर्नल 4.19.7, तो ये अक्सर ज्यादातर थर्ड जनरेशन से लेकर आगे जितनी भी जनरेशन आती है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन वालों के पास ये नहीं परफॉर्म कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो गाइस परेशान आप लोगों ने नहीं होना, आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड कर्नल आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फिर मैक्स जो परफॉर्मेंस है वो नहीं चलेगी। तो गाइस इसमें जो मेरा ओपन जीएल है 3.0 मैसा 17.1.0 वही डिफॉल्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें जो वर्जन है एंड्रॉइड का वो डिफरेंट है। तो अब आ जाते हैं गाइस इसमें गेम हेल्पर, गेम हेल्पर गाइस देखें वही ओल्ड है, आपने सेलेक्ट करनी है गेम और उसके बाद ओपन करनी है, की मैपिंग आ जाएगी या तो आप मैन्युअली कर लेंगे। तो अब आ जाता है तीसरे नंबर पे हमारे पास इंटरनल ऑडियो। तो गाइस देखें अब यहां पर लिखा हुआ प्लग इन इज इनेबल्ड, क्लिक हियर टू डिसेबल, वंस डिसेबल यू कैन अनइंस्टॉल ऐप। ठीक है, मतलब कि जब आपको आपके पास इंस्टॉल हो गया ना ओएस, ठीक है, तो आपने सिंपली इस जगह पे एक बार क्लिक करना है, तो वो कहेगा कि रूट परमिशन अलाउ करो, आपने अलाउ कर देना, और उसके बाद आपको कहेगा कि रिबूट नाउ और रिबूट लेटर, तो आपने रिबूट नाउ कर देना है। ठीक है, आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और उसके बाद आप अपने किसी भी गेम की इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ओएस में। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मतलब और क्या चाहिए यार, आप लोगों को इंटरनल ऑडियो मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है गाइस हमारे पास यहां पर एफएक्स। एफएक्स का क्या काम है गाइस? बेसिकली हम इसको यूज करते हैं फाइल्स को डिलीट करने के लिए और उसके बाद ट्रांसफर करने के लिए, और विंडो की जो ड्राइव है उसको हासिल करने के लिए। तो अब एफएक्स को ओपन करते हैं। तो गाइस यहां पर देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहां पर शो हो रही है डिस 1, डिस 2, डिस 3, डिस 4, ये मेरी ड्राइव है विंडो की, मतलब डिस 0 सी है, डिस 1 डी है, डिस 2 ई है, उसके बाद डिस 3 ई है। तो आप यहां से सारी चेक कर लें, आपकी जो मतलब ड्राइव है आप जिधर से कोई चीज भी कॉपी करके अपने मतलब के इस विंडो के इस ड्राइव में आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपने अगर ड्राइव कोई पबजी मोबाइल इंस्टॉल करके ओबीएस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन ये चीजें आपको तब शो होंगी जब आप इस ओएस को मेरे मेथड से इंस्टॉल करेंगे। तो ठीक है, तो बाकियों का मैं नहीं कह सकता। तो ये होगी हमारी यहां पर बात खत्म इसकी भी। तो अब आ जाता है ओपेरा, तो ओपेरा को ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो इधर से नॉट श्योर करते हैं, गूगल पे जाते हैं, लेट्स सी। ओके, गूगल हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी मारखोर गेमिंग फिनिक्स ओएस। चले पहले पे आ गया था खुद ही, तो ये आ गया जी आपके भाई का चैनल। ठीक है, तो सक्सेसफुली ये गूगल पे भी आ रहा है, डैट्स नाइस। ठीक है, तो ये वर्क भी सही तरह कर रहा है, इस पे इंटरनेट भी और कोई भी मतलब इशू नहीं आ रहा परफेक्टली। तो डेस्कटॉप मोड पे भी हम कर सकते हैं ऐसे, तो अब डेस्कटॉप मोड आ गया, उस टाइम मोबाइल वाला था उसको हटा भी सकते हैं, मोबाइल पे भी जा सकते हैं, वेल डैट्स नाइस। तो अब इसे क्लोज करते हैं, उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाता है डी रॉक ओएस। तो ये उनका जो अपना है ना कह सकते हैं कि उनकी अपनी जो चीजें होती है ना
OS की, हेल्प की, ये वो है सारी यहाँ पर। तो आप यहाँ से दे सकते हैं और उसके बाद डी रॉक स्टोर आ जाता है, मतलब इनके एल स्पीड हो गई, जीएल टूल हो गया, आप कुछ भी यहाँ से ड्रैग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं आप लोगों ने, तो इसे क्लोज करते हैं। अब आ जाता है मैगस मेजर। गाइस ये लेटेस्ट हमारे पास मैगस का जो वर्जन है, ठीक है, हमने अपडेट नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने देना डिफॉल्ट। तो इधर नीचे देखें आपको नए ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर ये मैंने रूट किया हुआ है, रूट आप हटा भी सकते हैं और आगे आप जाएं, यहाँ पर परफॉर्मेंस बता रहा है कि परफॉर्मेंस इसकी सही चल रही है, ठीक है, और ऑनलाइन है। और आप इसमें मॉड्यूल यहाँ पर ये कोई भी अपने सिस्टम के मुताबिक, यहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला मॉड्यूल जो उनसे अच्छा वर्क करेगा तो आप वो यहाँ पर ड्रैग डाउनलोड करके उसके बाद इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीनन आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आते हैं हम गाइज अपनी एल स्पीड की तरफ। एल स्पीड को हमने ओपन करना है, उसके बाद ये कह रहा है F10 कीट मतलब इंपोर्ट करें, लेकिन छोड़ो पर है, हमने क्या करना है उसको इनेबल डिसेबल करके, तो ओके करते हैं। तो ये कह रहा है अपडेट आई है इसकी, फिक्स क्रैश एंड्रॉयड 12, तो इसका तो एंड्रॉयड वर्जन पुराना है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डिसमिस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास ये की मैपिंग भी इसकी शो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर की मैपिंग करने की कोई हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रही होगी सारी जो इसकी परफॉर्मेंस है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैम मैनेजर में जाके आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, OMM या तो लो रैम फ्लैग, आप सब कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें तो बेस्ट है, ठीक है। तो अब इसे हम कर देते हैं क्लोज। और गाइज अब हमारे पास आ जाता है गियर लॉक। तो गियर लॉक से आपको पता है कि हम क्लासिक सिलेक्ट करेंगे कि हम यहाँ पर ना कुछ भी जो है ना कर सकते हैं इंस्टॉल, और उसके बाद कुछ इसके अपने प्लगइन्स से हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्नल चेंज कर सकते हैं, मैसा चेंज कर सकते हैं SOS का, ठीक है, और भी मतलब कि फ्रेमवेयर या तो और भी जो चीज़ें आपको पता है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपरली गियर लॉक का कोई भी अगर चीज़ कर रहे हैं तो उसका ट्यूटोरियल होगा, तो आप वो देख के यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद गाइज हमारा यहाँ पर जो है ना सारा इसका रिव्यू जो है कंप्लीट हुआ है, और इसका जो वॉलपेपर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ पर आप वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, ये लाइट कम ज़्यादा होती है, ठीक है, लोकेशन है, इथरनेट है, ठीक है, इस टाइम मैं इथरनेट यूज़ कर रहा हूँ जो इंटरनेट होता है PTCL का। उसके बाद गाइज आप रोटेट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम है ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज से रखा हुआ है, और यही सब कुछ है जो अब आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है इस OS के अंदर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे आके हेल्प मांग सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को मैं प्रॉपरली उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने वक्त आपको UFI या तो आपके पास Grub2WAN का एरर आ रहा है, ठीक है, इंस्टॉलेशन पे, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो अगर उसका सलूशन बिल्कुल परफेक्टली है तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।